जो मुलजिम है आपको हमने पेश कर दिया है, उसने अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल किया और ज़्यादातर आपको सारी कहानी पता भी है, तो इसकी तफ़ीलात में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फैमिली का उससे फीमेल का वो है इशू है। तो इसके खिलाफ़ जो है कोर्ट में बयानात भी इन्होंने दे दिए, 164 हमने कर ली है, उसकी मुदाई कर दी। और एक हम लोग मशहूर हैं आपकी उस टाइम आड़ा वाले आप लोग आ गए। ये चंद दिन पहले जो एक मुसलमान बस्ताज बीबी को मोटरसाइकिल सवार ने कत्ल किया था और हमने उसमें FIR नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया था, इसके बारे में आम तौर पर ये तासुर चला गया था कि ये चूँकि मकतूला जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर है, तो तासुर ये था कि ये शायद पोलियो से रिलेटेड जो है, तो इस तरह पहले होता रहा है पोलियो से रिलेटेड कत्ल है। हमने जदीद खतूत पर जो DPO साहब ने टीम बनाई जिसमें मैं खुद और DSP साहब SHO साहब हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर हैं उस्तानी के सब ने मिलकर जो है तो दिया है, जिसमें मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जिसको जो है तो जिसने अपना बयान भी दे दिया है और उसने कन्फेस कर लिया है जुर्म को। नीज़ ये बात जो है ज़रूरी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बेसिकली ये है, इस तरह के हम प्रेस करते रहते हैं लेकिन इसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं पोलियो के हवाले से, जो खासकर हमला है उनका जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बिल जिस पिस्टल से हमने फायर किया था जिसे कत्ल किया वो आपके सामने पड़ा हुआ है और मोटरसाइकिल भी हमने बरामद